हेलो दोस्त, मैं हूँ आदर्श विजयविन, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी या मेडिकल साइंस से सेफ़ इटावा। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं UPSMFAC यानी कि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की। हम बताएंगे फर्स्ट काउंसलिंग में कितने बच्चों को बुलाया जाएगा, यानी कितने राउंड तक अलॉटमेंट लेटर आएगा, फर्स्ट काउंसलिंग में कितने रैंक तक अलॉटमेंट लेटर आएगा। और हम बात करने वाले हैं, देखिए ये चीज़ आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कितने राउंड तक, यानी कि इसमें हम ये भी बताएंगे प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों के लिए बताएंगे कि फर्स्ट राउंड में कितने लोगों को बुलाया जाएगा, ठीक है। और बात करें अलॉटमेंट लेटर की तो कब आएगा, और थर्ड पॉइंट बात करेंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड भी आपको बताएंगे कौन कौन डॉक्यूमेंट आपको अभी बनवा लेने हैं, कौन से आपको नहीं बनवाने हैं, ओल्ड या न्यू, ये सब जानकारी देंगे कि ओल्ड डॉक्यूमेंट लगने हैं या नहीं, न्यू लगेगा कि नहीं, सब जानकारी इसी वीडियो में देंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, शेयर कर देना मेरे दोस्तों में भी, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन होगा मैं आपको अपडेट देता रहूँगा, ठीक है। बराबर प्रॉपर वीडियो आती रहेगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हम बात करते हैं कि जो हमारा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ भी मैं अपडेट देता रहता हूँ टेलीग्राम चैनल पर भी और इंस्टाग्राम पेज पर भी। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि आपको फर्स्ट जो पॉइंट था आपका, कितने रैंक तक फर्स्ट काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। देखो जो मेनली सीटें हैं लगभग 2000 गवर्नमेंट सीटें हैं, ठीक है। तो अब ये 2000 गवर्नमेंट सीटें तो हैं, तो दो गवर्नमेंट सीटें जो 2000 हैं लगभग, लेकिन स्टूडेंट्स ने क्या किया है, जिनकी मान लो 1000 के ऊपर रैंक है, 1000 अंडर 1000 रैंक की बात नहीं कर रहे हैं, 1000 के ऊपर रैंक है, ठीक है। अब वो चाहता है कि लैब टेक्नीशियन चाहिए, तो लैब टेक्नीशियन के लिए इतनी सीट तो है नहीं, पहली बात, ठीक है। तो इतनी सीट नहीं है, तो गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट में इतनी सीट नहीं है, ठीक है। लेकिन प्राइवेट का हम मिला लें तो सीट आ जाती है। तो क्या करते हैं बच्चे की फर्स्ट जो कुछ कॉलेज, जो पहला कॉलेज है वो गवर्नमेंट फिल कर दिए हैं चॉइस फिलिंग में, ठीक है। सेकंड क्या कर दिए हैं, प्राइवेट, तो सेकंड प्राइवेट कर दिए। तो सिंपल से बात है, अगर पहला पहला जो चॉइस है वो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, तो सेकंड चॉइस तो ज़रूर मिल जाएगा, सेकंड चॉइस तो प्राइवेट है, क्योंकि हर कोई प्राइवेट में एडमिशन नहीं लेना चाहता है, तो प्राइवेट में आपका एडमिशन हो जाएगा। तब ये सेकंड जो प्राइवेट कॉलेज लेना चाहता है, ये सेकंड वाला बच्चा क्या चाहेंगे, मान लो इसकी 1100 रैंक थी, ठीक है, 1100 रैंक, तो ये एक रैंक ये निकल गया 1100। अब जो 2000 रैंक था, 2000 रैंक मान लो 2000 सीट में 2000 रैंक, तो 2001 स्टूडेंट चला जाएगा ना, 2001 तो प्राइवेट ले लिया, तो दूसरे को क्या मिल जाएगा, 2001 तक गवर्नमेंट मिल जाएगा। तो इस तरह से जो है आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि इतने बच्चों को पहला अलॉटमेंट लेटर आएगा, इतने बच्चों को दूसरा अलॉटमेंट लेटर आएगा, सबका आएगा, जिसको भी सीट मिलेगी रैंक, जितनी सीटें खाली हैं सबका एक साथ अलॉटमेंट लेटर आना है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब अलॉटमेंट लेटर आने के बाद आपको ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ेगा, कैसे डाउनलोड होगा वो मैं आपको शेयर कर दूंगा जब भी इन्फॉर्मेशन आएगी, अपडेट आएगा। अब थर्ड पॉइंट हम बात करेंगे कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स लगने हैं वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं, कौन से ओल्ड डॉक्यूमेंट लगने हैं, कौन से न्यू डॉक्यूमेंट लगने हैं, तो वो मैं आपको शेयर करूंगा। फर्स्ट जो है, फर्स्ट जो पहली बात हम आपको बता दें, पहले जैसे कि आप जानते ही हैं कि हाई स्कूल की मार्कशीट फर्स्ट, ठीक है, हाई स्कूल की मार्कशीट सेकेंड, इंटरमीडिएट मार्कशीट सेकेंड, ठीक है, ये तो आपको लगने ही हैं। इसके अलावा अब आपको करेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, TC ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ठीक है, या फिर आप इसी को बोल सकते हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये लगने, या लिखते जाइए कैरेक्टर सर्टिफिकेट, TC और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। इसके अलावा 6 फोटो, ठीक है, इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, डोमिसाइल, ठीक है, इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, ये आपके हो गए ओरिजिनल, ये आपके ओरिजिनल हो गए, ठीक है। अब हम बात करेंगे ओल्ड या न्यू। देखिए जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो न्यू होना चाहिए, अगर आप फॉर्म फिल करते समय आपने बनवाया था तो वही लगा दीजिए, अभी नहीं, अगर पुराना है कास्ट सर्टिफिकेट तो नया लगाइए, OBC और SC ST के लिए, ठीक है, जनरल के लिए नहीं लगता है। तो अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात करें, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ओनली 6 मंथ के अंदर होना चाहिए, ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है 6 मंथ के लिए ही मान्य होता है, तो 6 महीने के अंदर का ही होना चाहिए आपका, ठीक। तो अब अभी तक अगर पुराना रखे हैं तो नया जाके कॉलेज से बनवा लीजिए, जहाँ से इंटरमीडिएट किए थे वहाँ से बन जाएगा, आप वहाँ से बनवा लीजिए, ठीक है, तो क्योंकि इंटरमीडिएट के बेस पर ही है ये, तो इंटरमीडिएट ये हो गया, ठीक है। अब ये ओरिजिनल हम बात की सारे डॉक्यूमेंट की, ओरिजिनल, इसके अलावा आप आधार कार्ड ले जाइए, ठीक है, क्योंकि आधार कार्ड तो लगना ही होगा, आपका फोटोकॉपी लगेगा, आधार तो क्योंकि बायोमेट्रिक होता है तो आधार कार्ड लगना ही है,
आपका आधार नंबर लगना ही लगना है, ठीक है। ओरिजिनल के अलावा आप दो दो सेट फोटोकॉपी ले जाइए, सभी डॉक्यूमेंट के दो दो सेट ओरिजिनल के अलावा, क्योंकि आपकी ओरिजिनल भी जमा होगा, फोटोकॉपी होगा। अगर आप चाहते हैं तो एक्स्ट्रा करवा लीजिए, क्योंकि जब आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा हो जाता है तो आप स्कॉलर फॉर्म फिल करते समय या फिर और भी काम पड़ते हैं जो कॉलेज में आपको फोटोकॉपी की ज़रूरत पड़ती है, तो ऑलरेडी आप रखे रहेंगे तो बार बार आपको निकलवाना नहीं पड़ेगा, तो आपके काम आएंगे। दो के अलावा आप चार करवा लीजिए, दो आप सेट अपने पास रख लीजिए, इन फ्यूचर आपको काम आएगा। और हम आपको बता दें, एडमिट कार्ड जो आपका आएगा, अलॉटमेंट लेटर आएगा, ठीक है, वो भी आपको ले जाना है फोटो कॉपी करा के, एडमिट कार्ड भी ले जाना है, ठीक है, क्योंकि रैंक भी तो दिया रहेगा ना आपका, अलॉटमेंट लेटर में रैंक रहेगा, तो वो सब आपको फोटो कॉपी करा के उतने तीन तीन सेट आपको ले ही जाने हैं। तो ये डॉक्यूमेंट आपको ले ही जाने हैं, जो कि आपको परेशानी नहीं होगी वहाँ जाने पर। अगर आप नहीं ले जाते हैं तो आपको परेशानी झेलने की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए आप पहले से ही बनवा लीजिए, ठीक है। अगर इंटरमीडिएट के बाद गैप है तो आप गैप सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट के बाद 1 साल या 2 साल का गैप है, तो आप गैप सर्टिफिकेट 2 साल के लिए बनवा लीजिए। अगर 1 साल का है तो 1 साल के लिए आप गैप सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, इंटर के बाद आप क्या कर रहे थे उसमें लिखवा दीजिए, वो तहसील से बनेगा गैप सर्टिफिकेट, ठीक है। इसके अलावा जो भी इन्फॉर्मेशन होगा नेक्स्ट, वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, अभी जो भी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे अपडेट आएगा। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो, हमारे इंस्टाग्राम टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो भाई, आपको जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं है तो आप जाइए इंस्टाग्राम, वहाँ सर्च करिए द ह्यूमन वैली, आपको मिल जाएगा, या टेलीग्राम पर जाइए, टेलीग्राम पर आप सर्च बार में जाकर द ह्यूमन वैली आप टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद सर्च करेंगे तो आप हमारा वीडियो जो चैनल का लोगो है वो आ जाएगा, ठीक है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आज का वीडियो यहीं तक, वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक करके ही जाइएगा वीडियो को, ठीक है।